20 लाख का टॉप प्राइज और जो अमाउंट आपने इस राउंड में बैंक किया है, थैंक गॉड हम इस दफा पहली दफा लाखों में एंटर हो गए। 2 लाख और भी है, 2,90,000 रुपए, वेल डन, नॉट दैट गुड, थैंक गॉड लाखों में एंटर तो हुए। और अब हम बढ़े हैं राउंड 8 की तरफ जिसका टॉप प्राइज है 30 लाख का इनाम। एंड गाइस दिस इज इट, ये आखिरी राउंड है जिसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं, इसके बाद कुछ भी जमा नहीं कर पाएंगे, जो है वो ही लेकर जाएंगे। गौर से सुने मनी ट्रेल, पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा 25,000 के लिए, तीसरा 50,000 के लिए, चौथा 2.5 लाख, पांचवा 7.5 लाख, छठा 15 लाख, सातवा 25 लाख, आठवा 30 लाख। और 3 कंटेस्टेंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 है। जो भी गलती करेगा वो नज़रों में आएगा और वोट आउट हो जाएगा, तो कोशिश करें कि गलती ना हो। आप सब अपने आप को बचाएं और कोशिश करें कि राउंड 9 तक बढ़े। आर यू रेडी? यस। ये राउंड वही राव से शुरू होगा, टॉप प्राइज है 30 लाख का और वक्त है 1 मिनट 50 सेकंड। 1 मिनट 50 सेकंड वक्त तेजी से गुजरेगा वही, आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। ब्राजीलियन पॉलिटिशियन रोमारियो सियासतदान बनने से पहले क्या थे? फुटबॉल प्लेयर। करेक्ट। पाकिस्तान में सबसे पहला सफारतखाना किस मुल्क का बना? मिस्र। करेक्ट। फरहत, कोयल अपना घोंसला बनाती है या नहीं? नहीं। करेक्ट। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात पर कौमी परचम कितने दिन तक सरनगू रहा? 40 डेज। करेक्ट। शाम, खिलाफत मूवमेंट के दौर में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। करेक्ट। 8 नवंबर 1927 को किस चीज के कयाम का ऐलान हुआ? साइमन कमीशन का। करेक्ट। वहीद, टैक्सोनॉमी के मुताबिक इंसान का ताल्लुक कौन सी जिन्स से है? होमो। करेक्ट। शाम, 1994 में वर्ल्ड कप हॉकी के फाइनल में पाकिस्तान ने किस टीम को शिकस्त दी? नेदरलैंड। करेक्ट। फरहत, 1918 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज पाने वाले जर्मन केमिस्ट का नाम बताएं? फ्रिट्ज हेबर। करेक्ट। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर पानी बनता है, ये किसने साबित किया? हेनरी कैवेंडिश। करेक्ट। शाम, ज्योमेट्री के माने क्या है? जमीन की पैमाइश। करेक्ट। होमियोपैथी किसका साइंटिफिक नाम है? बनमानस। करेक्ट। वही आइंस्टाइन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजाते थे? वायलिन। करेक्ट। शाम, तहरीक खिलाफत के वो कौन से लीडर थे जिनकी वफात पर कायदे आजम बहुत रोए? मौलाना शौकत अली। करेक्ट। फरहाद, इंसानों के नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स कितने रफ्तार से ट्रैवल करते हैं? पास। आपका 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म, 350 किलोमीटर पर आर। और वक्त शुरू होता है वोट आउट करने का, वोट करो उस कंटेस्टेंट को जो आगे राउंड 9 में आपके सामने नहीं खड़ा होगा। ऑफ कोर्स आप तो होंगे, लेकिन वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपके साथ कंपीट नहीं कर रहा होगा इस अमाउंट के लिए? आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। फरहाद, शाम और वहीद ने अच्छा खेला, एक अच्छा अमाउंट सेव किया। वहीद और शाम ने सही वक्त पे बैंक तो कर दिया लेकिन चेन तोड़ दी। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म, एवरीबॉडी स्टॉप, तमाम वोट्स मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं और जो कंटेस्टेंट आगे बढ़ रहा है उसका नाम मैं लेती हूँ। फरहत, आप राउंड 9 में जा रहे हैं वोट्स के मुताबिक, वोट्स के हिसाब से यू आर कम्प्लीटली सेफ और आप राउंड 9 की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि शाम और वहीद में से कोई एक कंटेस्टेंट है जो आगे नहीं जाएगा और आप में से कोई एक है जो घर जाएगा। वो कंटेस्टेंट जिसको आगे जाना है वहीद, वो कौन है? मैम, आई थिंक मुझे आगे जाना चाहिए बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, आफ्टर मैंने अभी शाम कुछ ऑब्जर्व किया है, तो मुझे आगे ही जाना चाहिए क्योंकि मेरे सारे आंसर सही है। तो आपको लगता है आपको आगे जाना चाहिए? जी, ऑफ कोर्स। शाम, आपको क्या लगता है, आपको आगे जाना चाहिए वहीद को? आंसर तो ऐसे सब मेरे भी सही थे, मगर मुझे वहीद से ज्यादा डर लग रहा है। क्यों? गेम को कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रहा है अभी। और ये खेल ऐसा है जिसमें डरना नहीं है, अगर डर गए तो मर गए बिल्कुल। लेकिन मुझे बताएं इस वक्त आपको क्या लग रहा है, कौन आगे जाएगा, आप या फिर वहीद? मैडम देखिए, शाम भी अच्छे खेल रहे, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट है और मुझे इससे खतरा है बिकॉज मैं अच्छी एफर्ट कर रहा हूँ। I'll do my best. But I want to ask him and I want his answer. आपको क्या लगता है कौन आगे जाएगा? आगे मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि ये जीते, क्योंकि मैं और इस गेम में अगर जीत गए तो क्या करोगे? मैं इस गेम में ज्यादा अभी अगर जीत गए तो क्या करोगे? मैं घर चला जाऊंगा। तो मुझे लगता है जीतने को छोड़ो, तुम अभी ही घर चले जाओ क्योंकि ये राउंड तुम्हारा आखिरी राउंड है। जिसको यही नहीं पता वो जीत के करेगा क्या, वो घर चला जाएगा, तो पहले घर चला जाए।
तमाम वोट्स, मेजॉरिटी वोट्स शाम आपके खिलाफ है। फरहाद ने आपको वोट किया, वहीद ने आपको वोट किया, जिसका मतलब ये है कि आप वो कंटेस्टेंट है जो राउंड 9 में नहीं बढ़ पाएंगे और आप यहाँ से वापस जाएंगे घर। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ। आखिरी खिलाड़ी कौन, आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में सिर्फ राउंड 8 तक था। शुक्रिया, थैंक यू। गेम का एक तो रूल होता है कि हर कोई यही चाहता है कि मैं आगे निकलूं, तो उनको उनको यही डर था कि ये आगे निकल गया तो हम पीछे रह जाएंगे, तो उन दोनों ने वोट देकर मुझे एलिमिनेट कर दिया। एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मतीरा, आखिरी खिलाड़ी कौन? दैट्स द गेस। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।